नमस्कार दोस्तों, एसएन राठौर व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, मेरे पीछे की लोकेशन को देखकर ही आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आपको कहां का अपडेट मिलने वाला है। तो दोस्तों, ये दलावदा इंटरसेक्शन है जो सीतामऊ तहसील के अंदर आता है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश के अंदर। तो दोस्तों, आपको यहाँ का आज मैं अपडेट देने वाला हूँ। काफ़ी दिनों के बाद यहाँ मैं पहुँचा हूँ इंटरसेक्शन वाली जगह, क्योंकि अभी शादियों का सीज़न चल रहा था तो टाइम नहीं मिल पाया, तो मैं आपको यहाँ का अपडेट नहीं दे पाया। तो दोस्तों, मैं आज पहुँचा हूँ यहाँ पर और हम आगे चलकर देखेंगे कि यहाँ पर कितना कुछ काम हुआ है इंटरसेक्शन का और क्या काम चल रहा है यहाँ आसपास। तो बने रहिए वीडियो में, हम आगे चलते हैं और देखते हैं सब कुछ चलकर। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर, देखिए इस प्रकार से रोड पूरा कंप्लीट कर लिया गया है। सिर्फ यहाँ पर रोड की मार्किंग बची है और बीच में जो प्लांटेशन करना है वो वर्क बचा है इधर ये यहाँ पर। तो दोस्तों, ये रोड के दोनों तरफ इस प्रकार से इंटरसेक्शन के यहाँ पर टोल बूथ बनाए जा रहे हैं। इंटरसेक्शन के यहाँ से जब आप एंट्री लेते हैं तो भी आपको टोल टैक्स देना होगा, और अगर आप एग्ज़िट लेते हैं तो भी आपको यहाँ पर टोल देना होगा। तो इस प्रकार से ये हर इंटरसेक्शन के यहाँ पर इस प्रकार से व्यवस्था रहेगी ताकि रोड के बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, और आप जहां पर रुकते हैं या जहां पर आप इस रोड से एग्ज़िट लेना चाहते हैं वहां पर आप टोल देकर वहां तक का जो भी किलोमीटर का आपका टोल बनता है वो टोल देकर वहां से एग्ज़िट ले सकते हैं, या आप चढ़ना चाहते हैं तो वहां से चढ़कर टोल दे सकते हैं। जैसे अभी मैं दिल्ली पार्ट पर खड़ा हूँ तो ये दोनों तरफ आपने टोल बूथ देखे इस प्रकार से बन रहे, ऐसे ही उधर मुंबई पार्ट पर भी बन रहे हैं। ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर रोड तो कंप्लीट हो चुका है, बस बीच का प्लांटेशन वर्क बचा है और रोड की मार्किंग बची है, और दोनों साइड टोल बूथ बन जाएंगे। उसके बाद इंटरसेक्शन का काम भी चल रहा है जो हम आगे वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए वीडियो में आगे। तो दोस्तों, मैं रोड के ऊपर पहुंच चुका हूं। ये इंटरसेक्शन यहां पर दिल्ली के पार्ट से आपको इस प्रकार से अभी दिख रहा है। इंटरसेक्शन के यहां पर जो बीच में ब्रिज है स्टेट हाईवे पर, वो अभी इस प्रकार से दिख रहा है। इसका काम इतना हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे डंपर लगातार यहां पर मिट्टी फिलिंग का काम किया जा रहा है। जो इंटरसेक्शन के सर्कल उतारे हैं उन सर्कल के बीच में, और जो सर्कल के लिए सीधे रोड से नीचे जो पूरा रोड उतरेगा, मेन इस एटलेन से नीचे जो पूरा रोड जाएगा सर्कल तक, उसके वहाँ पर मिट्टी फिलिंग का काम यहाँ पर चल रहा है। और साथ ही साथ आप देख पा रहे होंगे ये यहाँ पर इन्होंने सीमेंट की ईंटें बनाकर ये दोनों तरफ वॉल बनाई जा रही हैं ताकि ये दोनों तरफ की मिट्टी ना खिसके इस ब्रिज के यहाँ पर। जैसे कि वो आप देख पा रहे होंगे सामने इतनी वॉल बन चुकी है, मैं आगे चलकर वहाँ भी आपको दिखाऊंगा। तो देखिए दोस्तों, ये अभी ब्रिज का इतना काम हुआ है। और दोस्तों, हम इंटरसेक्शन के अगर उन सर्कल की बात करें तो यहाँ पर सर्कल का काम अभी ज़्यादा नहीं हुआ है, ये आप देख पा रहे होंगे। अभी जो पहले मिट्टी भर के उनको एक जैसा करा था वो उतना ही है, और उन पर अभी डामर का कार्य नहीं हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, इस प्रकार से ये सीमेंट के इन्होंने ईंटों टाइप बना रखे हैं, और इस प्रकार से ये वॉल बना रहे हैं यहाँ पर, ताकि ये मिट्टी ना खिसके इस ब्रिज के यहाँ पर, क्योंकि ये ब्रिज काफ़ी लंबा ब्रिज है। यह 6 लेन के हिसाब से पूरा ब्रिज बनाया गया है।
तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मुझे आशा है ये वीडियो और ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। मैं आगे भी इस पूरे इंटरसेक्शन के और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से जुड़े वीडियो आपको इस चैनल पर दिखाते रहूँगा। तो दोस्तों, आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि आपको फ्यूचर में ऐसे वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए जल्दी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।